आगामी लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद से ही ग्वालियर पुलिस मादक पदार्थ और अवैध हथियार के खिलाफ लगातार मुहिम चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने स्मैक खपाने निकली एक महिला तस्कर को चेकिंग के द्वारा गिरफ्तार किया और उसके पास से लाखों रुपए कीमत की 40 ग्राम स्मैक बरामद की। आपको बता दें कि बहोड़ापुर थाना पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि एक महिला शंकरपुर इलाके में स्मैक की तस्करी करने आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने शंकरपुर स्थित टीपी नगर में चेकिंग लगाई। जैसे ही मुखबिर के बताए हुलिये वाली महिला दिखाई दी तो बहोड़ापुर पुलिस की टीम ने महिला को रोका और जब महिला तस्कर की तलाशी ली गई तो महिला के पास से अंतर्राष्ट्रीय कीमत की लाखों रुपए की 40 ग्राम स्मैक बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने महिला तस्कर को गिरफ्तार कर दिया। ग्वालियर पुलिस द्वारा लगातार अवैध जुआ, सट्टा, शराब, फायर आर्म्स व मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कल बहोड़ापुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ट्रांसपोर्ट नगर में एक महिला द्वारा अवैध मादक पदार्थ परिवहन किया जा रहा है। उक्त सूचना पर बहोड़ापुर पुलिस द्वारा महिला को जाकर चेक किया गया। चेक करने पर उसके कब्जे से 40 ग्राम स्मैक जो है, ब्राउन शुगर बरामद हुई। कीमती करीब अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है 4 लाख रुपए है। महिला के विरुद्ध NDPS एक्ट में जब्ती कर गिरफ्तारी की गई और धारा 8/21 NDPS एक्ट में अपराध पंजीकृत किया गया।